हे भाई लोग, क्या हालचाल है आप लोग के। तो गाइस देखो, आज की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ चुकी है अपनी प्रोजेक्ट के को लेकर। क्योंकि गाइस देखो, डार्लिंग स्टार प्रभास की अपकमिंग मूवी, जिस मूवी का बजट है 600 करोड़ और भाई लोग, ये फर्स्ट इंडियन फिल्म बन जाएगी जो कि गाइस कॉमिक कॉन में इसकी अनाउंसमेंट होगी और उसी के साथ इसका ग्लिम्स वहां पे दिखाया जाएगा और छोटी बहुत मूवी की भी हमको झलक देखने को मिल सकती है। और भाई लोग देखो, तुम्हारे भाई तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ को लेकर ही। और भाई लोग देखो, दीपिका पादुकोण का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है ऑफिशियली गाइस, और अभी तक हमको जितने भी अटपटे पोस्टर देखने को मिले हैं ना गाइस, उससे लगता है कि पिक्चर का कॉन्सेप्ट कुछ है गाइस सुपर हीरो टाइप ही कुछ होने वाला है। क्योंकि भाई लोग, इसकी स्टार कास्ट देख लो आप, टोटल लेजेंड लोग इसमें भरे पड़े हर एक इंडस्ट्री से। तो गाइस एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट तो लेवल वाली है गाइस। तो अब प्रभास की मूवी अगर चल गई ना भाई साहब, तो इंडियन सिनेमा का नाम रुतबा सब कुछ चेंज करने का दम रखती है, यहाँ तक कि ये अलग ही लेवल सेट कर देगी। और भाई साहब लगता है कि ये 2-3 पार्ट में बनाई जाएगी। तो अब तुम लोग बताओ यार, तुम लोग के क्या ओपिनियन है प्रोजेक्ट के को लेकर। तो गाइस देखो, अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड मूवी पुष्पा 2 को लेकर अपडेट आ चुकी है। क्योंकि भाई लोग, हमको पहले इसकी न्यू रिलीज डेट पता चली थी कि ये पिक्चर रिलीज होगी गाइस दिसंबर में, डंके के साथ में क्लैश कर सकती है। पर गाइस अभी न्यूज निकल के आई है, बस निकल के आया है इसका तगड़ा लेवल का, ऑफिशियली अभी कन्फर्म नहीं है गाइस, पर फिर भी गाइस एक रूमर निकल के आया है कि ये पिक्चर अब अपने को 2023 में देखने को नहीं मिलेगी, सीधा 2024 में मूवी पोस्टपोन हो जाएगी। तो इसकी न्यू रिलीज डेट जो सामने निकल के आई है ना गाइस, 21 जून 2024 में पिक्चर रिलीज हो सकती है, ऐसी एक अपडेट आइए। तो उसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें गाइस, तो वो है अपने सिंघम अगेन को लेकर। तो गाइस आपने सूर्यवंशी देखी होगी और भाई लोग देखो, रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनने वाली सिंघम अगेन को गाइस, हमको एक्साइटमेंट तो इस लेवल की भी है क्योंकि आज देखो उनकी मास मसाला मूवी होने वाली है। और भाई लोग देखो, बात करें इस मूवी की ना गाइस, तो इस मूवी की जो अपने को एक अपडेट आई है गाइस, वो ये है कि गाइस देखो, जो सूर्यवंशी थी ना, उससे 10 टाइम बेटर होने वाली सिंघम अगेन, ऐसी अपडेट आई है। तो भाई लोग तुम सोच के देखो यार, सूर्यवंशी क्या ही एंटरटेनर मूवी थी, उसके बाद अगर सिंघम अगेन में उससे ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा, वो भी 10 टाइम्स, तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। तो वेट करेंगे यार टीजर ट्रेलर का, उसके बाद ही पता चलेगा कि 10 टाइम बेटर है या फिर मतलब हक देंगे ये लोग, तो आने के बाद ही पता चल सकता है, तो तब तक कुछ नहीं कर सकते। उसी के साथ जो नेक्स्ट न्यूज आई है गाइस, वो है वेलकम 3 को लेकर। तो गाइस देखो, तुम्हारा भाई खास करके इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि गाइस देखो, अक्षय कुमार, अर्शद वारसी, उसके साथ परेश रावल और संजू बाबा, एक तीनों एक साथ अपने को एक ही मूवी में देखने को मिलेंगे, तो भाई सब क्या ही माहौल बनेगा यार। तो तुम्हारा भाई तो वेलकम 3 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और भाई लोग देखो, जो न्यूज आ रही है कि उस हिसाब से इस मूवी 2024 में दिवाली के टाइम पे आ सकती है, ऐसी अपडेट आ रही है। और इसकी शूटिंग मतलब इसकी स्क्रिप्ट डन हो चुकी है और भाई लोग, इसकी शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट हो जाएगी और ये 2024 में शायद अपने को दिवाली के टाइम पे देखने को मिल जाए, ऐसी अपडेट आई है। ऑफिशियली अभी कुछ कंफर्म नहीं है और इसकी अनाउंसमेंट भी अपने को जल्दी ही देखने को मिल सकती है। तो बात करते हैं इस मैदान के बारे में। तो गाइस, मैदान का जो मूवी जो होने वाली है, मूवी कई बार पोस्टपोन हो चुकी है, पर गाइस अभी जाके इसके ट्रेलर को लेकर अपडेट आई है सामने निकल के कि इसके ट्रेलर पे जो कट के काम है ना गाइस, वर्क स्टार्ट हो चुका है, कि इसका ट्रेलर कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और भाई साहब, ऐसा लगता है कि इसका ट्रेलर जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा और जल्दी इसकी आप कुछ ना कुछ ट्रेलर को लेकर भी अपडेट आएगी सामने, तब आप तुम्हारे भाई तुमको फिर से अपडेट कर देगा। तो उसी के साथ बात करते हैं गाइस मेरी क्रिसमस को लेकर, यानी कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की अपकमिंग मूवी, जो कि 15 दिसंबर 2023 को यानी दिसंबर के मंथ में रिलीज होने वाली और ये सीधा सीधा क्लैश करने वाली योद्धा सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी के साथ में। तो गाइस इसका पोस्टर तो गाइस 90s वाली वाइब्स दे रहा है, तो तुम्हारे भाई तो एक्साइटेड है इसके लिए। नेक्स्ट अपडेट गाइस, वो है थेरी के रीमेक को लेकर। इसमें कृति सुरेश का गाइस कैमियो होने वाला है और ये बॉलीवुड में इनका डेब्यू भी होने वाला है। भाई लोग, इटली की मूवी थेरी के साथ में जो कि रीमेक होने वाला है, इसकी जल्दी कुछ ना कुछ अपडेट आने वाली है। और भाई लोग, इसका नेक्स्ट मंथ यानी मुंबई में शेड्यूल है गाइस, तो उसी के बाद कुछ ना कुछ अपडेट आती रहेगी इस मूवी को लेकर भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ छोटी मोटी गलती हुई होगी तुम्हारे भाई से तो माफ कर देना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, क्योंकि गाइस तुम्हारे भाई न्यू वीडियोस बना रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो जितना हो सके उतना, क्योंकि गाइस अगर छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है तुम्हारे भाई से माफ कर देना। तो ऐसे ही इंप्रूवमेंट तुम्हारे भाई लाता रहेगा डेली तुम्हारे लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो वाली के साथ, तब तक के लिए शेयर करो, सब्सक्राइब करो।